राजस्थान के साथ में मैं राजस्थान के लोकप्रिय और गांधीवादी मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं, जनता से कहता हूं कि खूब ताली बजे, जम के ताली बजे। आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, तो सचिन पायलट अपना संबोधन दे रहे थे और अब बारी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जो कि सभा को संबोधित करेंगे। हमारे प्रभारी महामंत्री अनुराग पांडे साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डिप्टी सीएम साहब सचिन पायलट साहब, हमारे स्वास्थ्य मंत्री व कैंपेन कमेटी के चेयरमैन रघु शर्मा जी, आपके प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव जी, आपके अपने मंत्री अर्जुन बामणिया जी, हमारे राजस्थान के वरिष्ठ नेता महेंद्र जी सिंधी मालविया साहब, बहन रमीला कड़िया जी, दिनेश कोडनिया जी, जिला अध्यक्ष डूंगरपुर चांदमणि जैन साहब, जिला अध्यक्ष बांसवाड़ा श्रीमती रेशम जी मालविया, जिला प्रमुख बांसवाड़ा, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार तारचंद भगोरा साहब, नाना लाल निनावा साहब, सुरेंद्र बामणिया जी, महेंद्र जी बरजोत और तमाम हमारे प्रधान गण, छोटी सरवण, गोगर तलाई, बागी डोरा, सज्जनगढ़, आनंदपुरी, तलवाड़ा, सुना समाज, ब्लॉक अध्यक्षगण, तमाम उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, बागी डोरा में आप सबको यहाँ मिलने का अवसर प्रदान किया मालवीय जी ने, और मुझे खुशी है कि चुनाव का मौका है और हमेशा आज़ादी के बाद से ही जिस प्रकार से आदिवासियों ने जो कांग्रेस के साथ रिश्ता निभाया, पंडित नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो या सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी है, हमेशा से सबसे पहले प्रायोरिटी रही है आदिवासियों की। आदिवासी चाहे राजस्थान का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, उड़ीसा का हो, झारखंड का हो या छत्तीसगढ़ का हो, प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी जी तो मैं भी उनके साथ आया था डूंगरपुर के अंदर, सोनिया गांधी जी साथ थी, प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने दौरे किए आदिवासियों का, जिससे कि पूरा देश की अधिकारी लोग समझ रहा है कि प्रधानमंत्री चाहते क्या है, कैसे आदिवासियों का कल्याण हो, उनको पट्टों की समस्या थी वन अधिकार क्षेत्र में, वो समस्या का समाधान हो, आदिवासियों का अधिकार जो उनको मिलना चाहिए वो पूरा मिले, वहाँ रोजगार मिले, क्योंकि आपके पास जमीन जो है बहुत कम छोटी होल्डिंग होती है, ये तमाम बातें कांग्रेस के नेतृत्व में हमेशा रही है, एहसास रहा है, उस ढंग से फैसला किया। मुझे याद है कि जब अकाल पड़ गया था, आपके आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री बना 20 साल पहले, पहली बार 3-4 अकाल लगातार पड़ गए थे, पर क्योंकि आपने हिम्मत नहीं हारी और हम लोगों ने भी सब ने मेहनत करके ऐसी स्थिति कर दी कि काम के बदले अनाज योजना, अपने गांव में खुद का घर बना लो, कुआं बना लो, खून बनाओ, खुद भी करो, पर काम के बदले अनाज मिलेगा, और इतनी 32 लाख मेट्रिक टन अनाज लेके आए हम लोग, गांव गांव में बांटा, और कई घरों में तो गऊ रखे गाय, ये प्रॉब्लम हो गई थी आपको याद हो। उस वक्त वसुंधरा जी कहती थी, जो मुख्यमंत्री थी अभी पहले, कि अशोक गहलोत तो जाके दिल्ली में भीख मांगता फिरता, गेहूं की सड़कों पर गेहूं की भीख मांगता मुख्यमंत्री होकर। मैंने कहा मुझे गर्व होगा भीख मांगने में अगर मेरी जनता की भूख मिटती हो तो। उन्होंने कहा लोग भूख से मरेंगे, और मैंने कहा गांव गांव में गेहूं की बोरियां रखवा दी है, सरकारी मुलाजिम की ड्यूटी है कि कुछ संकोच में गेहूं नहीं मांगे तो ही गेहूं पहुंचाओ घर पे। मैंने कहा मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए भूख से मरने की बात छोड़ो, एक आदमी भूखा नहीं सोने दूंगा मैं राजस्थान के अंदर।
और वो करके दिखाया था आपको याद है। मैंने मानवेली प्रमुख से आपके यहाँ ढाई ढाई तीन तीन लाख लोगों को काम मिला उस जमाने का, ढाई ढाई तीन तीन लाख किसी करते हैं। ये तो मैं छह दिन पहले नहीं कह रहे थे कि पिछली गवर्नमेंट ने बर्बाद कर दिया नरेगा को, सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी नरेगा योजना लेके आए, अकाल पड़ो या नहीं मरो पड़ो, अब आपको 100 दिन का रोजगार की गारंटी मिल गई कानून बना करके। कानून संबंध अधिकार पहली बार देश में मिले हैं नरेगा के माध्यम से, रोजगार राइट टू एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षा का अधिकार, फूड सिक्योरिटी के माध्यम से 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल। ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ ये पार्लियामेंट के कानून बना के मिली हुई है आपको, अब कोई सरकार कोई आओ बदल नहीं सकते। इस प्रकार से सोनिया गांधी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने शानदार फैसले किए। और मैं कहना चाहूंगा ये जो अब आज सत्ता में बैठे लोग हैं ये लफड़ी करते हैं, जुमले बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, गुमराह करते लोगों को। आपको तय करना है कि सच कौन बोलता है, झूठ कौन बोलते है। कितने साल में क्या किया वो लोग पूछते हैं, आप लोग बैठे हो बुजुर्ग लोग, कितने साल पहले बाडी द्वारा क्या था जो आज ये वही था क्या, सड़कें थी, पानी की योजनाएं थी, बांध थे, माई डैम था, स्कूलें थी, कॉलेज थी, क्या था, बांसवाड़ा में क्या था, उदयपुर में क्या था, राजस्थान में क्या था, देश में क्या था। 70 साल में जो कुछ हुआ है वो कांग्रेस की देन है। तभी क्या कहते हैं 70 साल में क्या किया, आप सोच सकते हो। इस प्रकार लोग गुमराह करके जो राजनीति की जा रही है देश के अंदर, मीडिया को मजबूरी में दिखाना पड़ता है उन लोगों को मोदी मोदी मोदी, क्योंकि मीडिया के ऊपर इतना दबाव है कि मीडिया के मालिक हो चाहे वो टीवी में देखते होंगे आप लोग जो बहस करते हैं, सब डरे हुए हैं मोदी से, पता नहीं है हमें जेल नहीं भेजते, CBI ED इनकम टैक्स छपा नहीं पड़ा जाए। चाहते हुए मीडिया वाले खड़े तो हैं और ये सच दिखा नहीं पा रहे देश के अंदर, आपको समझना पड़ेगा, समझ के फैसला करना पड़ेगा। अगर मीडिया को देख देख के आप भ्रम में आ गए टीवी में और गलती कर बैठोगे, आज लोकतंत्र खतरे में है, वोटों का डर खतरे में है देश के अंदर। पता नहीं मोदी की तरह वापस सरकार बन गई इनकी, आगे चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे कोई नहीं कह सकता। ये हालात देश में, पूरा देश डरा हुआ है, घबराया हुआ है, घृणा का माहौल है, नफरत का माहौल है, डर का माहौल है, भय का माहौल है, कोई खुल के बोल नहीं सकता। खुल के बोले वो देश धुरी माना जाता है देश के अंदर। राष्ट्रप्रेमी वो है, हम लोग राष्ट्रप्रेमी नहीं है यहाँ बैठे हुए लोग, राष्ट्रप्रेमी वो है जो बीजेपी के झंडे के नीचे बैठता है, ये उनकी सोच है। कांग्रेस की सोच है सबका भला हो, प्यार से भाईचारे से राजनीति हम लोग करें, हमारी कोई दुश्मनी ना बीजेपी से ना किसी और पार्टी से ना RSS से, हमारी तो विचारधारा किसकी क्या है वो बताएं हम लोग जनता के सामने। आपकी जनता के दरबार बैठा हुआ है, माई बाप आप लोग हो, आप फैसला सुना दो किसको वोट देंगे, किसको जिताएंगे आपके ऊपर होता है। हमारी धर्म कहता है कि हम अपनी बात कहें, हमारी योजना आपके लिए ये है, वो अपनी बात करें फिर आप फैसला करो, वो नहीं करते। उपलब्धि नहीं बताएंगे मोदी जी की, मैंने वादे 5 साल पहले क्या किए थे, 2 करोड़ नौजवान को नौकरियां दूंगा प्रतिवर्ष, काला धन लेके आऊंगा विदेशों से 1 रुपया लेके नहीं आए, महंगाई नहीं बढ़ने दूंगा, महंगाई बढ़ गई, 15 लाख रुपये खाते में आएंगे 1 रुपया नहीं आया, उस पर बात नहीं करें मोदी जी। लक्ष्य तैयार बात जरूर करते हैं, आप खुद देखते हो, बड़ी गजब की एक्टिंग करते हैं, केवल मैं कहता हूँ इनको तो बॉलीवुड में जाना चाहिए था, मुंबई के हम लोग फिल्मों में जाना चाहिए था तो ज़्यादा ठीक रहता। मैं कई बार झलक पड़ जाती टीवी में तो लगता है कि आज एक नई एक्टिंग शुरू हो गई मोदी जी की, कब तक गुमराह करो लोगों का। कृपा करके आज हालात बड़े गंभीर हैं। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने बताया आपको, राहुल गांधी जी के जो फैसले हैं चाहे UPA गवर्नमेंट के थे, अभी 2 रुपये किलो अनाज की बात बजाय हमारी गवर्नमेंट आपने मनाई, अभी तो मैंने 1 रुपये किलो गेहूँ देना शुरू कर दिया राजस्थान के अंदर।
कर्जे माफ कर दिए हैं, कोऑपरेटिव बैंक के, भूमि विकास बैंक के, और नेशनल बैंक जो है कमर्शियल बैंक के हैं उनसे बातचीत चल रही है। बातचीत खत्म होने के बाद में उनके लिए वादा किया हमने, वो भी हम पूरा करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, 5 साल बेटी इधर नहीं बढ़ेगी। अब आपको पानी का बिल नहीं आएगा, मालूम है आपको? पानी के बिल भी मैंने माफ कर दिया, पूरा माफ कर दिया राजस्थान के अंदर। अब बिल नहीं आएगा गांव के अंदर। कोई ज्यादा ही पानी खर्च करेगा फील खर्ची तो अलग बात है, वरना जो बिल आते छोटे मोटे सब माफ है। शहरों में बहुत कम कर दिया हमने। तो हमारी तरफ से तो लड़कियों की शिक्षा पूरी फ्री कर दी है, बुजुर्गों की पेंशन कर दी है, खेत जो हमारे किसान हैं उनकी पेंशन अलग कर दी हम लोगों ने। पेंशन 500 से 750 कर दी, 750 से 1000 कर दी हम लोगों ने। मोदी जी दे रहे हैं 6000 रुपये किसान को देना शुरू करेंगे, पहली किस्त दिए 2000 की, वो भारत सरकार है। अगर स्टेट गवर्नमेंट पेंशन दे सकती है 12000 रुपये एक व्यक्ति को, पति पत्नी है तो 24000 रुपये एक साल की, वो देंगे एक साल के 6000 रुपये। और राहुल गांधी ने वादा किया अभी नया न्याय के रूप में, ये सोशल सिक्योरिटी आपके लिए सामाजिक सुरक्षा है जो देश में होनी चाहिए। राहुल गांधी का सपना है सरकार बनाओ तो 6000 रुपये प्रति माह मिलेंगे आपको, 6000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, और 12 महीने मिलेंगे बहुत तो 1000 मिलेंगे, जो अभी पांडा साहब कह रहे थे आपको 72000 प्रतिवर्ष मिलना, 5 साल में होते 360000 रुपये मिलेंगे। तो सोच सकते हैं इस प्रकार से क्रांतिकारी फैसले हो रहे हैं। मोदी जी अमित शाह जी घबरा गए हैं, चेहरे पे उनके पसीना आ रहा है बोलते हुए, ये हालात बन गए हैं। आप देखोगे कि जिस प्रकार से ये चुनाव आते आते हमें चिंता है कि कहीं ये और लोग भड़काने दे, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वो चिंता लगी हुई है हम लोग। जहाँ हिंसा होती है वहाँ कोई विकास नहीं हो सकता है। गांव में भी आपस में संप होता है वहाँ विकास होता है। तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, कृपा करके ताजन भोगरा जी को राहुल गांधी जी ने हम सबकी सलाह के आधार पर ज्ञापन से बैठे हुए हैं, सबकी सलाह करके फिर उनको टिकट घोषित किया है ताराचंद भगोरा जी का, जो पहले आपके एमपी रह चुके हैं और वो काबिल है, कर्मठ है, समर्पित है आप लोगों के लिए। हम बड़ी बड़ी योजना लेके आए थे आपके यहाँ पर, रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेलगाड़ी भी हमने काम शुरू करवा दिया, 300 करोड़ रुपये दे दिए हम लोगों ने। आप बताइए क्या कारण है सरकार ने बंद कर दिए, सरकार बदलते बंद हो गई योजना, योजना बंद कर दी गई, ऑफिस उठा दिए गए रेलवे के। हम जाएंगे वापस शुरू करवाएं आपके यहाँ, रेल आके रहेगी ये मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारा सपना है। 2-3 बिजलीघर लग रहे थे, कितने को रोजगार मिलता आपके यहाँ, गायब, बिजलीघर गायब हो गए। अरे हरदेव जोशी जी ने तो उस जमाने बाली डैम बनवा दिया, कितने लोगों का सिंचाई होती बता दीजिए आप, कितना बड़ा फायदा होगा। अगर माई डैम नहीं बनता तो क्या आज किसानों को खुशहाली आई, वो आ सकती थी? कभी नहीं आ सकती। और जो महेंद्र माधव जी कहते हैं जो काम अधूरा रह गया है वो काम हम पूरा करवाएंगे, आप निश्चिंत रहो। मानगढ़ धाम को ही हम लोगों ने विकसित किया था, इस पार्क बनाया था, आगे मानगढ़ धाम की तो अपनी एक कुर्बानी की, त्याग की, बलिदान की कहानी है। 1500 लोग किसे कहते हैं आदिवासी, जो जो देश के लिए शहीद हो गए, देश को आजाद करवा के रहा। गोविंद गुरु जी का नाम घर घर के अंदर है, तो हम लोग विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। बाकी जो मांगे की है मालवीय जी ने, आप निश्चिंत रहो, ये जी का कोटा अनिगढ़ की बात की गई है, वही जो पहले मंजूर की थी आपने 25 करोड़ रुपये, वही है ना? ये तो 25 करोड़ मंजूर किया था जब मालवीय जी मंत्री थे तब। आप बताओ सरकार बदल गई तो क्या वो काम बंद होना चाहिए था? अरे राज बदल जाता तो भी पुरानी कहावत है, हकम बदलता हुक्म नहीं बदलता है। आप बताओ, अरे राज बदला लोकतंत्र में, हमने झुक कर के स्वीकार की अपनी हार, भाई चलो वसुंधरा जी आप अच्छा काम करके दिखाओ। निकम्मी नाकारा सरकार साबित हुई,
भारी बहुमत के बावजूद काम नहीं किए उन्होंने, जनता से मिली नहीं वसुंधरा जी, काम जो ठप कर दिए हमारे वक्त में, जिसमें आपका ही नमूना है, ब्रॉडगेज का, रेल लाइन का, रिफाइनरी का बाड़मेर के अंदर, मेट्रो का जयपुर में, करौली और टोंक या ढूंढने थे रेलवे से, सब बंद कर दिए काम। ये उनका तरीका था, सोच थी काम पर। हम लोग कोई काम बंद नहीं करते उनके जमाने के। आज अगर वसुंधरा जी कोई काम चालू कर रही है, हम कोई काम बंद नहीं करने वाले, ये हमारी सोच है। इतने सोच सोच का फर्क होता है। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, कृपा करके ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, देश के तकदीर का फैसला होगा यहाँ पर। अभी लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, जिस प्रकार का माहौल है देश खतरे में है। आप लोग कृपा करके इस चुनाव में एक एक वोट मायने रखता है। आप ताजन भगोरा जी को एक बार पुनः कामयाब करें, और मुझे खुशी है कि आज पूरे मंच पे सब नेता एक साथ बैठे हुए हैं। हमारे विपक्षी लोग कई अफवाह उड़ाते थे, बांस और डूंगरपुर में तो आपस में झगड़े हैं, कोई झगड़े नहीं है। टिकट मारना हक हर एक को होता है, और टिकट मिलने के बाद में एकजुट रहता है, वो सच्चा कांग्रेसी होता है। आज सबने सबूत दे दिया, सब लोग सच्चे कांग्रेसी यहाँ बैठे हुए हैं, कोई नकली कांग्रेसी कोई नहीं बैठा हुआ यहाँ पर। इसी रूप में आप लोग सोचो, आगे बढ़ो, और निश्चित रहो इन सब लोग जो बैठे हुए हैं, इनमें क्षमता है बांसवाड़ा डूंगरपुर की समस्याओं को समझने की, उनको हल करवाने की, कोई कमी नहीं आएगी। और मैं बैठा हुआ हूँ, मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूँ, आपके आशीर्वाद, तीसरी बार बना हूँ, पहले भी दूसरी बार बना था, तब भी चुनाव के वक्त में मैंने पूछा कोई काम बाकी रह गया क्या, तो MLA साहब कहते थे, मालवीय जी कहते थे, साहब कोई काम बाकी नहीं रहा, जो आपने कहा वो आपने सब काम किया। MLA काम मांगते मांगते थक गया, मैंने काम स्वीकार करते करते नहीं थका था, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको। इसलिए अब भी ऐसा ही होगा, जो काम कहा गया है, मांगे की गई है, समय कम है। सचिन जी कह रहे थे अभी तो चुनाव का मौका है, इसलिए हम लोग कोई घोषणा कर नहीं सकते, पर जो आपने कहा है, मालवीय वक्त में 25 करोड़ रुपये साइन हो चुके थे उसके, पता नहीं किन कारणों से बंद कर दिया, वो काम तो होके रहेगा, कोई कहने की जरूरत नहीं आपको, ये हमारी जिम्मेवारी है। इस प्रकार से आने वाले वक्त में काम होगा। आपसे मेरी गुजारिश रहेगी, कृपा करके आप इस चुनाव में, ये आपके नई BPT क्या भारतीय ट्राइबल पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी खड़ी हो गई, नौजवान लोग थोड़ा गुमराह हो गए उसके अंदर। नौजवानों को नहीं मालूम है कि कांग्रेस का शानदार इतिहास, आज मोबाइल फोन जो जेब के अंदर पड़े हैं, मोबाइल फोन कैसे आ गया देश के अंदर, ये राजीव गांधी का सपना था, ये मोबाइल फोन पूरी दुनिया में जुड़ गए आप लोग, जिनके जेब में मोबाइल फोन है, कोई जमाने में आप जो है बांसवाड़ा बात नहीं कर सकते थे, उदयपुर बात नहीं कर सकते थे, अहमदाबाद बात नहीं कर सकते थे, आज तो 10 बटन दबाओ और दुनिया में कहीं बात कर लो, आप दिल्ली कर लो, बम्बई कर लो, लंदन कर लो, अमेरिका कर लो बात, और इसमें सारी सूचना आती है इसके अंदर। तो BPT वालों को मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिसने आदिवासियों के हकों की लड़ाई लड़ी है, वन अधिकार का जो निर्णय किया UP गवर्नमेंट ने, वो शानदार निर्णय है, पट्टे मिलने शुरू हो गए हैं, कई कई शिकायतें तो पार्टी, कांग्रेस पार्टी को दूर करेगी, और कड़ी से कड़ी जोड़ना जरूरी है, काम जब होंगे बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर जमके, तब आपने MLA बना दिया, MLA आपका हो, MP आपका हो, प्रमुख आपका हो, प्रधान आपका हो, तब जाकर के जम के काम होते हैं। तो कड़ी छोड़ना मत, कड़ी जोड़ो दिल्ली वाली, तब जाकर के जम के काम हो गए, मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए कोई गुमराह होने की जरूरत नहीं आपको, जम के आप लोग मतदान करो, जीता के लाओ, और फिर आप देखेंगे कि जो हमारी योजनाएं हैं जो बंद कर दी गई थी, वापस हम शुरू करेंगे, और चौमुखी विकास आपका होगा। यही बात करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।
तो अभी आप सीएम अशोक गहलोत को सुन रहे थे, जहां पर सीएम अशोक गहलोत मिशन 25 को लेकर यहां पर लगातार जनसंपर्क किए जा रहे हैं और लगातार यहां पर सभाएं की जा रही हैं। और इस मिशन के तहत आपको बता दें, यहां पर बीजेपी भी जमकर निशाना साधा है और साथ ही ये भी कहा है कि किस तरीके से लोकतंत्र जो है खतरे में है, किस तरह से देश में जो लोग हैं वो काफी डरे सहमे हुए हैं। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो भी वादे किए गए थे उन सारे वादों को पूरा नहीं किया गया है, लेकिन अगर अब हमारी सरकार आती है तो जो भी वादे किए जा रहे हैं उसको निभाया जाएगा। और यहाँ पर मतदान करने की भी लोगों से अपील की गई है। तो यहां मिशन 25 पर अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा है, मेवाड़ साध रहे हैं यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार चुनावी माहौल को देखते हुए लगातार जनसंपर्क किए जा रहे हैं, लगातार यहां पर लोगों से अपील की जा रही है मतदान करने के लिए। और साथ ही यहां पर सचिन पायलट भी